इसको देख लेते हैं, टूर्नामेंट चलता रहेगा जैसा मैंने बोला था। ये अलग अलग आप बोल सकते हो कंट्री में फिर ये मैचेस चालू होते हैं, जैसे अभी नेपाल में हुआ, अब यूएई में होगा, इस तरीके से फिर वो स्कॉटलैंड, इस तरीके से करके पूरा ऑर्गेनाइज करेंगे 4 साल तक। ठीक है, हालांकि आ नहीं रहा था जहाँ पे आना चाहिए, मैच दुबई में है। मतलब पिचेस, जैसे अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो तो पिचेस यहाँ की थोड़ी सी आप बोल सकते हो डिफिकल्ट होती है। जैसे हमने एक मैच किया था ओमान और यूएई का, ठीक है, किसी को मालूम नहीं है, बट यहाँ की पिचेस में ज़्यादा रन नहीं बनते। ठीक है, मैक्सिमम आप देखोगे जो दे रहा है वो सक्सेस नहीं होगा। ठीक है, तो मैच तो 11 बजे से है, वही टाइम रहेगा। और टीमें एक बार देख लेते हैं, ये छह छह के सेट में इनका मैच होता है, तो ये इस तरीके से हर रोज 11 बजे मैच है। आपको दुबई में ही वही वही के मैदान में मैच मिलेगा। ठीक है, तो अपने तरफ से कुछ पॉइंट्स रखूंगा, कौन सी स्ट्रॉन्ग टीम है, कौन वीक टीम है, किस कौन क्या कर सकता है, और सबके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, जो सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है वो रहेगी हमारी स्कॉटलैंड की टीम, वो हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहती है। ठीक है, वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पाए इसका मलाल रहा, मतलब ये क्वालिफायर में तो चले गए थे, बट ये और आयरलैंड काफी खराब खेल दिया वहाँ पर। ठीक है, इनको जिम्बाब्वे की पिच रास नहीं आ रही, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर वो मैच थोड़ा आपका थोड़े आप बोलते हैं इंग्लैंड टाइप के देश में होता तो स्कॉटलैंड क्वालिफाई करती, आयरलैंड क्वालिफाई करती। आपको सब चीज़ समझनी पड़ेगी जब कहाँ क्वालिफायर हो रहा है, क्योंकि कई बार होता क्या है कि ये सारी टीमें जो हैं, अगर आप इन्होंने बल्कि इंग्लैंड को भी हराया हुआ है अगर आप देखो तो, इंग्लैंड में शायद स्कॉटलैंड में जहाँ भी, तो इनके जो प्लेयर्स हैं वो उस टाइप की पिच के लिए जाने जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अगर आप सोचोगे तो उस तरीके से इसीलिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो देखिए, जिनके बारे में पता है उनके बारे में बताऊंगा, जिनके बारे में नहीं पता एक बार मैच देख लेंगे, फिर वो डेली का तो डिस्कशन हमारा रहेगा। ठीक है, तो इनके मेन प्लेयर जॉर्ज मुंशी जो रन बनाएंगे आपके, मैथ्यू क्रॉस इनके विकेट कीपर बैट्समैन, काफी अच्छी बैटिंग करते, क्लास बैट्समैन है। और अब देखा जाए तो इनमें बहुत सारे क्रिकेटर अब मेरे को नहीं दिख रहे, जैसे इनके जो गिरा क्या नाम था उसका, कोइट्ज़े करके जो था ना, क्या नाम था उसका, कोइट्ज़े, इस तरीके से 2-3 प्लेयर मिसिंग लग रहे हैं। ठीक है, रिची बैरिंगटन इनके तीसरे मेन प्लेयर रहेंगे। ठीक है, तो ये 3 बहुत पुराने क्रिकेटर हैं, अब मैक्सिमम इनके ऑलराउंडर भरे पड़े हैं। ठीक है, ब्रेंडन मैकमलन लास्ट टाइम बहुत अच्छी बैटिंग बॉलिंग दोनों किया इन्होंने। ठीक है, बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, भयंकर प्लेयर है। ठीक है, क्रिस ग्रीव्स लेफ्ट आर्म के सॉरी लेग स्पिनर है, जो श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने शायद एक मैच जिताया भी था, श्रीलंका या बांग्लादेश के खिलाफ, और नीचे में हिटिंग कैपेबिलिटी भी रखते हैं। माइकल लिस्क आपको याद होगा, सबसे बड़ा जैकपॉट इन्होंने ही दिया था क्वालिफायर में, एकदम हार गई थी, 100 रन चाहिए था, आखिरी 2 विकेट बचा था, इन्होंने मैच जिता दिया पूरा। ठीक है, वो शायद आयरलैंड के साथ मैच था जिसके साथ दिया, ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर है, एकदम क्लास क्रिकेटर है, बस यही है कि स्कॉटलैंड के तो कोई लेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं। ठीक है, ब्रैडली वील, ये सारे क्रिकेटर इंग्लैंड के कंटिन्यूस डोमेस्टिक में खेलते हैं, तो किसी को भी हल्के में मत ले लीजिएगा। ठीक है, ब्रेट कुरी आपको याद होगा, ये जो सबसे बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट कैचेस इन द हिस्ट्री पकड़ा गया था ये आपके T20 ब्लास्ट में, वो इसी ने पकड़ा था, लेफ्ट आर्म का फास्ट बॉलर है, अच्छी बॉलिंग करते हैं। क्रिस सोल मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, अपनी बॉलिंग से कुछ भी कर सकते हैं, भयंकर बॉलर है, लंबे कद के हैं। ठीक है, और सब बैटिंग कर लेते हैं, याद रखिएगा। इसके बारे में मेरे को थोड़ा कम पता है, इसके बारे में भी थोड़ा कम पता है, एक दो मैच देखना पड़ेगा क्योंकि इनका मैच हुआ 1 साल हो गया ना, तो थोड़ा दिमाग से निकल गया। हम ज्यादा ही लेफ्ट आर्म के बहुत क्लासिकल स्पिनर है, मार्क वॉट आपके एकदम क्लासिकल लेफ्ट आर्म के स्पिनर है, प्रॉपर ऑलराउंडर है, बैटिंग भी करेंगे। सफियान शरीफ को बैटिंग आती है, एक मीडियम पेस टाइप के बॉलर है। स्कॉट कुर्री जो कि मैं ये वो है जो इंग्लैंड में खेल चुके हैं, शायद हैम्पशायर में भी खेलते हैं, मेरे वन ऑफ माई फेवरेट बॉलर है ये, और जॉश एंड्रू टर्नर मेरे को लग रहा था इंग्लैंड का क्रिकेटर है, बस जैसे स्कॉटलैंड में घुस गया है, टॉप क्लास का बॉलर है। आप इसकी बॉलिंग देखिएगा, मतलब हैम्पशायर को इन्होंने मैच भी जिताया, ओडीआई में भी मैचेस जिताए इनको, बहुत बड़ा बॉलर है मैं बोल रहा हूं, और बहुत अच्छी बैटिंग भी ये करते हैं। तो इनकी टीम हमारी बेस्ट टीम रहेगी टूर्नामेंट की मेरे हिसाब से। अभी चार्ली टियर कौन है मैंने कभी देखा नहीं है, एंड्रयू उमीद का भी नाम तो सुना हुआ है पर शायद मैंने देखा नहीं है, एक बार देख लूंगा तो कंफर्म कर दूंगा। टीम में कोई कमी नहीं है, मेन इनका प्लस पॉइंट होता है इनकी बॉलिंग लाइनअप, इनकी आखिरी तक बैटिंग लाइनअप। ठीक है, तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बनते हैं, भले शुरू में विकेट गिर जाए बीच वाले बचा लेंगे इनको। बॉलिंग में भी इनके बॉलर है, मार्क वॉट उठा लो, माइकल लिस्क उठा लो, आपके क्रिस ग्रीव्स उठा लो, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स उठा लो, तो तगड़ी टीम है और इनको हराना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये हमारी टूर्नामेंट की पहली टीम रहेगी। अब यूएई का सिलेक्शन मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि एक जगह 21 का स्क्वाड दिखा रहा है, एक जगह 14-15 का स्क्वाड दिखा रहा है, इन्होंने जवादुल्ला को नहीं उठाया जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, एक जो लेग स्पिनर काफी विकेट ले रहा था गुजरात क्या नाम था जीजी करके जो टीम थी गल्फ जायंट, उसमें उसको भी नहीं लिया, इसमें आर्यन लाकरा का सिलेक्शन नहीं है, तो मैं नहीं बता सकता 21 के सिलेक्शन में उन सबका शायद नाम होगा, बट मेरे को इस तरीके से तो मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। पहले हम लोग चलते हैं कनाडा की टीम। ठीक है, तो कनाडा का सबसे प्लस पॉइंट रहेगा यूएई की, सिंस विकेट स्पिनिंग ट्रैक भी बनते हैं, तो इनके पास 3 बहुत टॉप क्लास के स्पिनर हैं, एक निखिल दत्ता, ये सब ऑलराउंडर याद रखिएगा, कनाडा की टीम भी नीचे तक बैटिंग लाइनअप होगी, 7 बिन जफर काफी एक्सपीरियंस है लेफ्ट आर्म के स्पिनर है, बैटिंग भी लेफ्ट करते हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं, और हर्ष ठाकर ये तीनों बैटिंग करते हैं, तीनों बॉलिंग करते हैं, और तीनों ये मैच विन करा के देंगे। अभी क्वालिफायर के पहले भी जो मैच हुआ था इन्होंने काफी अच्छा किया था, अपने बॉलिंग से डिफेंड करा रहे थे। बाकी टीम पूरी एवरेज है, देखा जाए तो नवनीत थलीवाल का भी नाम है, रॉन जॉनसन का भी नाम है, निकोलस कटन शायद वेस्ट इंडीज में भी खेल चुके हैं, ये सब खेल लेते हैं, ऐसा नहीं है ये बैटिंग वगैरह कर लेते हैं। अभी नेपाल में भी गए थे, ये अच्छा मैच दिया था, एक मैच इन्होंने जीता भी था। बाकी हेलिंगर डायलॉन हेलिंगर ठीक ठाक बॉलर है, मैं नहीं समझता कि ये बैट्समैन है, मेरे को नहीं पता। ठीक है, ये बाकी तो देखना पड़ेगा। प्रगत सिंह एक प्रॉपर बैट्समैन है, हर बार पता नहीं ये बंदा इधर क्यों घुसा देते हैं, ये एक्चुअल में एक बैट्समैन है। ठीक है, प्रॉपर बैट्समैन है ये, और तीसरे चौथे पे ही आता है। बाकी कलीम सना का भी नाम सुना हुआ है, उधर भगवान भी काफी विकेट ले रहे हैं, तो देखा जाएगा। ठीक है, बस मैं इतना ही बोलूंगा, ये टीम एक तरह से डिफेंडर टीम बनती है। मेरा वही ट्रिक याद रखिएगा, अगर ये कोई भी लो ग्रेड की टीम 50 ओवर खेल ले तो आप उनके साथ रह सकते हो, आपका काम मैक्सिमम केस में हो जाएगा, ऑल आउट होंगे स्किप करो। ठीक है, तो ये अगर 50 ओवर खेलते हैं तो सामने वाली टीम की हालत खराब करने के लिए काफी है। ठीक है, अब आ जाते हैं हर बार की तरह यूएई का सिलेक्शन, मेरे को कभी समझ नहीं आता, पर मैं अभी जो ये दिख रहा है उसी में बता रहा हूँ कि हो सकता है इसके बाद के प्लेयर हो, तो मैं डेली के बेसिस पे बताऊंगा। इनके मेन प्लेयर मोहम्मद वसीम जो आप सब लोग जानते हैं, बल्कि मुंबई इंडियंस ने भी इनको ले लिया, मतलब ये जो आपका ये यूएई वाला लीग था, भयंकर रन बनाया, इन्होंने टूर्नामेंट विन किया, टॉप क्लास की बैटिंग कर रहे हैं, और अच्छा है, मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि
आप अगर फॉलो करो तो मैं पिछले एक डेढ़ साल से यही बोल रहा हूँ कि एसोसिएट नेशन का सबसे बड़ा बैट्समैन अगर कोई है तो वो मोहम्मद वसीम है, इसके आसपास भी कोई नहीं, क्योंकि अगर ये टिक गया तो कोई मतलब नहीं है बॉलर कौन है, पिच क्या है, ये मारेगा बंपर मारेगा ठीक है, पर ये खेलता कम है, 10 में से 2 मैच का इसका हिसाब है, खेलेगा मतलब अकेले जैसे चमारिया टपट्टू उठा लो ठीक है, सिंपल टीम में बस एक ही प्लेयर है इनका देखा जाए तो। बाकी देखिए वी अरविंद को किसी ने खिलाया ही नहीं यूएई लीग में, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा आप यूएई लीग ऑर्गेनाइज क्यों कर रहे हो जब ऐसे प्लेयर को बैठा रहे, एकदम क्लास क्रिकेटर है, सिंगल डबल के साथ अच्छी बैटिंग करते हैं, लंबे बाल वगैरह भी है इसका, एकदम क्लास बैट्समैन है, रन बना के देगा। आसिफ खान एज हो चली है बट ये भी काफी रन बना रहे हैं, क्वालिफायर में भी इन्होंने काफी रन बनाए थे, सेंचुरी मार रहे थे नीचे नीचे आकर के, तो ये 3 मेन प्लेयर हो गए इनके। बासिल हमीद काफी क्लास क्रिकेटर है, मेरे को काफी पसंद है, बट इनसे ऑफ स्पिन भी करानी चाहिए, ये 4 इनके मेन बैट्समैन हो गए। आलीशान शरीफ अभी हाल ही में रन बनाए यूएई में तो आपको दिख गया होगा कि हाँ भाई ये प्लेयर बढ़िया है ठीक है। आयान अफजल खान इनके ऑलराउंडर है, लेफ्ट आर्म के स्पिनर है, टॉप क्लास के, आखिरी में गल जैन ने इनको बॉलिंग देना स्टार्ट किया, वो सारा मैच जीते थे, उसके पहले वो इसको इग्नोर कर रहे थे, टॉप क्लास की बैटिंग टॉप क्लास की बॉलिंग ठीक है। अब काफी प्लेयर का नाम इसमें मिसिंग है, मैं नहीं बता सकता, राजा आकिफ मेरे को सही लग रहे हैं, नीचे में हिटिंग कैपेबिलिटी भी है, लेफ्टी बैट्समैन है और ठीक ठाक बॉलिंग करते हैं, संचित शर्मा भी बैटिंग कैपेबिलिटी रखते हैं, ठीक ठाक बॉलिंग करते हैं। बाकी इनके जहूर खान और जुनैद सिद्दीकी हमेशा रहते हैं टीम में, दोनों एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर है, पर मैं समझता हूं कि जवादुल्लाह को लेना चाहिए था, सेंस नहीं समझ आ रहा भाई, जवादुल्लाह तो यूएई का है ना, अगर किसी को पता हो तो फिर आप कमेंट में बताना, जवादुल्लाह तो यूएई का ही है जहां तक मेरे को लग रहा है, जिसने अभी इतना ज्यादा वो लिया। इनका ये जो लेफ्ट आर्म का मोहम्मद रोहित खान करके जो था जो मुंबई में विकेट लिया, वो भी तो शायद यूएई का है, सब तो यूएई के लोकल क्रिकेटर है, तो वो सबको क्यों नहीं लिया गया, इतनी बड़ी लीग में इन्होंने परफॉर्म किया है। इसके अलावा वो जो इनका ये लेग स्पिनर था गल्फ में, जन्नत जुबैर करके क्या नाम था उसका, ये तो वो नहीं है, ये मोहम्मद जो है तो नहीं है वो ठीक है। तो देखा जाएगा बाकी इनकी बॉलिंग लाइनअप में ये कौन है, मैं देखूंगा तभी बता सकता हूं, इनको भी मैं नहीं जानता, मैंने कभी देखा नहीं। तनिष शूरी का भी नाम मेरे को उतना समझ में नहीं आ रहा, राहुल भाटिया शायद इनके ऑलराउंडर है, लेफ्ट आर्म के स्पिनर भी है, मैं अभी नहीं बता सकता। काफी मिसिंग प्लेयर है, काफी सारे अच्छे क्रिकेटर, जो एक लेफ्ट आर्म का बैट्समैन भी था उसको मैं लारा भी बोल रहा था, काफी लोग उसको कंपेयर भी करते हैं ब्राइन लारा से, तो मिसिंग नेम है, मेरे को नहीं पता, अगर वो सब खेलते हैं तो टीम काफी स्ट्रांग रहेगी, बाकी तो कुछ भी होगा तो मैं आपको बताऊंगा ठीक है। तो बस यही है, और मैंने तीनों प्रिडिक्ट कर दिया, मैं वही अपनी थिंकिंग रखूंगा कि जो हमारी पहली टीम रहेगी वो स्कॉटलैंड की रहेगी ठीक है, दूसरी टीम जो हमारी रहेगी वो एज यूजुअल आपकी यूनाइटेड यूएई की रहेगी, और तीसरी कनाडा रहेगी, बट कनाडा आपको एक अच्छा मैच दे सकती है, जैकपॉट स्टाइल में आपको मैच काफी विन करके दे सकती है अपनी बॉलिंग से, जो मैं समझता हूँ ठीक है। ये डिफेंडर की टीम है जहां तक देखा जाए तो, इनके पास देखा जाए तो थोड़ी सी कमजोर मेरे को लग रही है, एक आध प्लेयर और होते तो फिर मजा आता, बट उनको लिया नहीं ठीक है। इनकी टीम तो एकदम सॉलिड है बैटिंग बॉलिंग दोनों की तरफ से ठीक है, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, जो भी होगा आपको बता दूंगा, एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया कि मैच आ रहा है, उधर शो नहीं कर रहा बट एक बार शो करेगा तो काफी अच्छा ही अपना बन सकता है ठीक है। तो अपनी टीम जो ये सारे जितने भी मैचेस दिख रहे हैं, हमारी टीम स्कॉटलैंड रहेगी, 2-2 4 मैच शायद खेलेंगे स्कॉटलैंड के साथ, आपको रहना है, बाकी कनाडा एक आपको डिफेंड का बहुत मोटा जयपुर दे सकती है, बाकी वही तो बस वही है कि जो होगा उसमें मैं बता दूंगा ठीक है। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए मैं चलता हूं, और तो कुछ बोला नहीं।